तैयार नहीं हुआ। ये लड्डू बन रहे किस खुशी में? माँ जी उनके लिए बनाए हैं, उन्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, आप लीजिए। मैं तो उसी दिन लड्डू खाऊंगी जिस दिन पोता होगा। अरे क्या बहस हो रही है सास बहू में? अरे ये बहस तो जिंदगी भर की है, तू जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाना खा। मैंने कमला की मंगनी पक्की कर दी है। मैं इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्यों? रंजीत सिंह कोई ठीक आदमी नहीं है, वो लोग उल्टे पलटे धंधे करते हैं और मैं हूँ पुलिस वाला, कहीं हम लोगों के उसूल ना टकरा जाए और उसमें कमला बेचारी ना फिसे। यही ठीक होगा कि ये रिश्ता। ये ठीक ही कह रही है, भला हम घर में बैठे बैठे कैसे जान सकते हैं कौन कैसा है? अरे तू चुप रह, तेरा बस चला तो कमला जिंदगी भकुआरी बैठी रहे। 3 साल से तो पोते का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ, अब नवासा तो देखने दे। मां जी हाँ सच्ची बात कड़वी लगती है ना, न जाने कहाँ से गले पड़ गई है मरी हमारे। नमो हरि ओ तमन्ना। हेलो पंडित जी। क्या हुआ रामदास जी? मेरे बाद में पढ़ेंगे दौलत राम, पहले 10,000 रुपए लाओ। 10,000? हाँ हाँ 10,000, जो तुमने देने का वायदा किया था। नहीं रामदास जी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इतनी रकम मैं नहीं दे सकता। तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती, भारत वापस जाएगी। नहीं रामदास, तुम ऐसा ना करो, मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिलाओ। अरे शर्म कर बापू, इतना लालच करना भी अच्छा नहीं होता। आज मैं बिना शादी के नहीं जाऊंगा। पंडित जी मंत्र पढ़ो। बकवास बंद कर गधे की औलाद। हाँ बापू, जिंदगी में पहली बार आपने सच बोला है। मेरी बेटी के सिंदूर की लाज रखी हो, मैं सच कहता हूँ, मैं रुपया नहीं दे सकता। मुझे रुपया चाहिए, मेरे बेटे की कीमत। कीमत मैं देने आया हूँ बख्तावर, 10-10 के नोट चाहिए, 100-100 के। कोई भी चलेगा भाई। तो गिनने के लिए तैयार हो जाओ। सदा सुहागन रहो बहन। रामलाल याद रखना आएगा, जो हमारी बहन को तकलीफ हुई, जो गोली बंदूक में बच गई है वो गोली तेरे सीने के पार होगी। बख्तावर जी, आप जनता के पिता रूपी पालनहार हैं, हमें क्षमा कीजिए, हम आपका नाम सुना करते थे, आज दर्शन भी हो गए। अपनी बहू का ख्याल रखना। बख्तावर भैया की जय। बख्तावर भैया की जय। बख्तावर भैया की जय। जय जय। क्या बागी बख्तावर ने रामगढ़ पे हमला कर दिया? मैं भी आया। भारत की बहादुर नारी को
तू शेर की गार में आकर शेर से नहीं डरती। चलो बहन, मैं तुम्हें छोड़ जाता हूँ, चलो। नहीं सरदार, ये औरत यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। इसे यहीं रहना होगा। बख्तावर, ये तो माँ बनने वाली है। माँ? फिर तो शांति बहन से जल्दी वापस छुड़ाना चाहिए। इसे होश में तो आ लेने दो, फिर ले जाना। मैं तो जान बचा के भागा हूँ मालकिन आपके समझी के यहाँ से। ये रहे शगुन के रुपए और ये अंगूठी। लेकिन ये सब क्यों? ओहो, सारी बिरादरी में चर्चा हो रही है कि आपकी बहू किसी के साथ भाग गई। लेकिन पंडित जी, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? ये तो वही लोग जाने, लेकिन उनका ये कहना है कि वो आपकी बेटी के साथ हरगिज विवाह नहीं करेगी। गोविंदम, जय गोविंदम, जय गोविंदम। पंडित जी, पंडित जी सुनिए तो सही। सोच रही थी इतने दिनों के बाद उनके कदमों में जा रही हूँ, कहीं वो ऐसी बातें नहीं सोचा करते पगली। और फिर तो किसी रावण के घर में नहीं, अपने भाई के घर में थी। रुक क्यों गए भैया? चलिए ना भैया। सावित्री, मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? समाज की बनाई उस सीमा ने मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी हैं। ये वो सीमा है जिसने मुझ जैसे भाइयों बेटों को अपनी बहनों और माओं से अलग कर दिया है। उनकी खुशियों को आंसुओं की आग में जला डाला है। भैया, कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। जानते हैं, आपने उनकी सावित्री को नया जीवन दिया है। सावित्री, कानून और जज्बात एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के सुहाग और उसके भाई के प्यार में टकराव। मेरी आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो। मैं दुर्गा मैया से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें सदा सुहागन रखे। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ है? माँ, माँ घर में। माँ, देखो कौन आया है। कौन आया? तू? तू आज? भाजी? खबरदार, जब मुझे माँ कहके पुकारा तो तुम जैसे आवारी के मुंह से माँ कहना अच्छा नहीं लगता। चली जाए यहाँ से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भला आपके चरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? उसी यार के पास जिसके साथ इतने दिन रह के बात करती रही, कलंक नहीं कहेंगी। तू चुप रह। मैंने कोई बात नहीं किया, वो साले मुझे जबरदस्ती उठा ले गए थे। हाँ हाँ, तो छोटी सी गुड़िया थी ना, तुझे उठा के ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए? कमला को क्यों नहीं ले गए? बेशरम कहीं की, अब तेरा क्रिया चिंतन यहाँ नहीं चलेगा। इस घर में तेरी गंदी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। कमो, ये आप क्या कह रही है? मैं इसे निकाल के छोड़ूंगी। इस कलमुही के वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ी, तेरी मंगनी टूटी स्कूल छल के वजह। नहीं, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकती। माँ जी, मैं आपके पोते की माँ बनने वाली हूँ। अरे तू तो पापी थी, साथ एक और पाप लेकर आई है, तेरा पाप इस घर में नहीं फलेगा। आपके चरणों की कसम माँ जी, ये पाप नहीं, आपी का खून है। मेरे खून को गाली ना दे। परसों यहाँ रही तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाते ही तेरे पांव भारी हो गए। कुलता, चल चल निकल यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल, मैं तेरा गला दबा दूंगी। चल चल चल, मर जा, मर जा। दरवाजे खोलो माँ जी, माँ जी दरवाजे खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए माँ जी। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आप सुनते भी नहीं? चुप। कौन है ये? मुरली धोबी और इसकी बीबी। साहब, मैं नदी पार कपड़े देने गई थी, बारिश की झड़ी लग गई और नदी टेढ़ आई, इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए मुझे वहीं रुकना पड़ा। ए, ये चिड़िया चिरित तो यहाँ नहीं चलेगा।
जिसका आना होता है वो नदी चीर के चला आता है, पर तू भला काहे को आती? तेरा तो यार रहता है ना, ए बोल, रहता है ना यार तेरा? सुनो हाँ? बिना देखे सुने किसी पे इल्जाम लगाना अच्छा नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, इल्जाम तो जो बिरादरी वाले मुझ पर इसके लिए लगा रहे हैं उसका क्या होगा? और फिर मैं किस किस की जुबान इस कुलक्षणी के लिए लोगों के बंद करूंगा? ए, मैं टोपी हूँ, कोई भगवान राम नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, जो रावण के घर से आए हुई सीता को रख ले, मैं इसको नहीं रखूंगा। बोल रही अजी, आपकी बीवी को भी तो बागी लोग उठा के ले गए, वापस आएगी तो क्या रख लेंगे उसे आप? अरे हमको थप्पड़ क्या मारते हो, मारो उनको जो आपकी बीवी को उठा के ले गए, मैं इसको रखने वाले नहीं। निकल। ये तो पहला तमाचा है, जिंदगी भर ऐसे ही तमाचे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। लोग तेरे नाम के ताने दे, ताने दे रे पति को, पति को ये जगत बना रहे हैं। ये बाप मेरे खून को गाली ना दे, परसों यहाँ रहे तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाते ही तेरे पांव भारी हो गए कुलता, चल चल निकल यहाँ से। ये बाप मेरे खून को गाली ना दे, परसों यहाँ रहे तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ जाते ही तेरे पांव भारी हो गए कुलता। अजी आपकी बीवी को भी तो बागे लोग उठा के ले गए, वापस आएगी तो क्या रख लेंगे उसे आप? अरे भाई देखो देखो, सती सती आ रही है। अरे शर्म तो उठी गई है जमाने से, ऐसी औरतों से तो कोठेवाली लग जाती अच्छी है। कमला क्या बात है? माँ माँ बोलो। कमला रो क्यों रही? रोएगी नहीं तो क्या नाचेगी? तुम्हारी बीबी के वजह से लड़के वालों ने कमला की मंगनी तोड़ दी। नहीं नहीं भैया नहीं। क्या बात है? माही से पूछ लो, इनकी ममता जहर में बदल गई है। मतलब ये कि तुम्हारी सती सावित्री जाने कहां से पांव भारी करके आई थी, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दी। माँ माँ, ये क्या जुल्म किया तुमने? इतना भयानक फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, सच्चाई जानने की कोशिश तो की होती। सच्चाई? सच्चाई तो दुनिया जानती है, जो औरत अकेली पति के बिना इतने दिन तक घर से बाहर रहे वो कलंकनी होती है, और कलंकनी इस घर में नहीं रह सकती। माँ, तुम घर की लक्ष्मी को गाली दे रही हो। माँ तुम नहीं जानती, सावित्री ने मुझे बता दिया था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। अरे वाह, बहू माँ बनने वाली हो और सास को पता न चले, ये भी उसका क्रियाचित्र है जो तू नहीं समझेगा। ओ माँ भगवान के लिए चुप हो जाओ, लोग तेरे नाम के ताने देते रहेंगे तेरे पति को। ये पाप नहीं, मेरा खून तो गाली ना दे, तो ऐसा इल्जाम लगाया गया था। सीता मैया को भी भगवान राम ने नहीं माफ किया था, अब जीकर क्या करेंगे? ही भर ऐसे ही तमाचे पड़े रहेंगे। अपने पति परमेश्वर को, तेरे पति ने भी तुझे नहीं माफ किया तो लग दो, अब क्या करेगी? रुक जाओ, ये क्या कर रही है? मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। ये मत भूलो तुम बहन, एक जिंदगी को जन्म देने वाली। अब इस मनहूस जीवन पर कोई एहसान मत करो भैया। एहसान तो मैं अपने आप पर कर रहा हूँ, शायद तुम्हारे कारण मेरा जीवन भी सफल हो जाए। भैया के बेटा पैदा हुआ है। बेटा? देवी माँ ने बख्तावर के भाग जगा दिए। अरे चांद सा भांजा दिया है मुझे देवी माँ ने, तेरे आंसुओं को खुशियों में बदलने के लिए। अरे देख कितना सुंदर लाल दिया है। हम अपने मुन्ने का नाम राजा रखेंगे। राजा? क्या नाम रखेंगे भाई? हम अपने लड़के का नाम राजा रखेंगे। क्या हुआ सावित्री?
गया। उन्होंने भी यही सोचा था कि अपने बेटे का नाम राजा रखेंगे। भैया कोई सूरत निकालो, बाप और बेटे का मिलन करवा दो। अब ये मुमकिन नहीं सावित्री। क्यों? करण सिंह का यहाँ से तबादला हो गया है। क्या? वो यहाँ से चला गया है। कहाँ? ये मुझे कुछ पता नहीं। भैया भैया तुम्हें पता करना होगा। पर क्यों सावित्री? इसलिए कि राजा यहाँ ना रहे। अगर राजा यहाँ रहा तो समाज की नजरों में मुजरिम कहलाएगा। समाज? किस समाज की बात करती हो सावित्री? जिस समाज ने तुम जैसी देवी पर तोमत लगाई, घर से बेघर बनाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। राजा ऐसे गंदे समाज में नहीं, मेरे पास रहेगा, मेरे पास। नहीं भैया, अगर राजा यहाँ रहा तो कानून की तेज तलवार हमेशा उसके सर पर लटकती रहेगी। ये तेरा वहम है सावित्री। राजा की हवा की तरफ देखने वाले की तेरा भाई आंखें निकाल लेगा। मेरी तेरे राजा को भी कोई नहीं पहचान सकेगा। राजा जिंदगी के हर मोड़ पर एक नए रूप में दिखाई देगा। हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। मैं भी यही चाहती हूँ कि राजा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक पुलिस ऑफिसर बने और जनता की सेवा करे। सावित्री, राजा पुलिस ऑफिसर बनकर जनता की सेवा जरूर करेगा, मगर जनता पर धन वालों के जुल्म को नहीं रोक सकेगा, इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को नहीं उतार सकेगा। मगर यहां रहकर जनता की सेवा भी करेगा और ना इंसाफी और जुल्म का सर भी काट सकेगा। मैं अपनी जिंदगी का साथी तुम्हें सौंप रहा हूं। इसने मेरी, मैंने इसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा है, जनता की इज्जत समझा है। आज वही इज्जत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, मेरे नए सरदार। राजा सरदार की जय! राजा सरदार की जय! राजा सरदार की जय! आज से आपकी और जनता की इज्जत मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है, और इस विश्वास पे मैं कभी धब्बा नहीं लेने दूंगा बाबा। हाँ बेटा, इतना ध्यान रहे, ये खंजर सिर्फ जुल्म को कुचलने के लिए ही उठे। मां तुम्हारे चरणों के सौगंध, आज से ये खंजर सिर्फ गरीबों के आंसू पोषने के लिए और उनकी झोलियां खुशियों से भर देने के लिए उठेगा। राजा सरदार की जय! राजा सरदार की जय! तो हजूर का इकबाल बुलंद रहे, बुलंद रहे। आओ दीवान सिंह बैठो, परेशान नजर आ रहे हो, वजह? वजह? वजह आपकी हराम खोर प्रजा। क्या किया उन्होंने? आपने इस कदर सर चढ़ा रखा है कि वो काबू से बाहर हो चुके हैं। क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाज तक देने से इनकार कर दिया, कर दिया। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब की नहीं तो आती बरस दे देंगे। हो सकता है बेचारे कोई मजबूरी हो। जिसे आप मजबूरी कहते हैं
उसमें बगावत की बू आ रही मुझे। मतलब? मतलब ये मालिक कि अनाज ना दे तो ना दे ना दे, पर कम से कम गाली तो ना दे आपको। आपको किस गुस्ताख ने हमें गाली दी? किस किस का नाम बताए मालिक? जो कमबख्त आपके साये के सामने सर झुका देते थे, आज वही लोग आपका सर झुकाने की फिक्र में हैं। वो कमीने कहते हैं कि भारत सरकार ने रियासतें और जागीरें सब खत्म कर दी हैं। अब ना आप उनके राजा रहे न वो आपकी प्रजा। हम खुद चलकर देखते हैं कि किसमें इनकार करने की हिम्मत। लेकिन मालिक वहां आपका जाना बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक नहीं क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपकी शान के खिलाफ कुछ कह दिया तो हमारी तलवारें उनके खून से लाल हो उठेंगी। बाद नहीं आएंगे। फिर तो हम जरूर जाएंगे। मुश्किल से पेट पालने के लिए अनाज पूरा होगा। चलाओ गाड़ी। नहीं राजा साहब, नहीं, हमको मारना है तो भूख से तड़पा कर मत मारिए, हमारे सीने पर गोली चला दीजिए। हमारी गोलियां इतनी सस्ती नहीं, उनसे हम शेर मारते हैं, तुम जैसे गिदड़ नहीं। चलाओ गाड़ी। दीवान साहब, गाड़ी ले जानी है तो हम लोगों की लाशों पर से ले जाइए। कुचल डालो इन कीड़े मकड़ों को। जनता की आवाज हूँ मैं। कोई अवतार नहीं जो आसमान से उतर के गरीबों की मदद के लिए चला आता हो। मैं एक मामूली इंसान हूँ और दुनिया मुझे राजा के नाम से जानती है। दबान को लगाम दे गुस्ता। चीखो मत प्रताप सिंह, आप तुम में और इन किसानों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि आज के राजा महाराजा ये किसान है जिनके बल बूते पर तुम जैसे जालिम और कमीने लोग भी जिंदा हो। खामोश। प्रताप सिंह, अब तुम महाराजा नहीं हो और ना ये तुम्हारी प्रजा है। ये प्रजा जमाने के साथ है, ये प्रजा मेरे साथ है, ये प्रजा राजा के साथ है। चुप रहो दीवान सिंह, इस गुस्ताख की जुबान बंद कर दो। राजा बागी ने छोटी बस्ती पर हमला कर दिया है, जल्दी चलिए। खून खराबा हमारे वसूलों के खिलाफ है। हमने सिर्फ आपकी पिस्तौल गिराने की कोशिश की थी, मगर आप सामने आ गए। राजा पुलिस। माफ कीजिएगा महाराज, मुझे आने में देर हो गई है, लेकिन मैं आपकी लाश पर कसम खा के कहता हूं कि राजा को एक ना एक दिन जरूर गिरफ्तार करूंगा। दीवान सिंह जी, आप राजकुमारी जी को लंदन में खबर कर दीजिए। जी अच्छा। महाराज का शोक मनाने के लिए राजकुमारी साहिबा लंदन से आ रही हैं। आप सब लोग अपने अपने बाजुओं पे मातमी बिल्ले लगाओ, काले बिल्ले ये लो जैसे मैंने लगा रखे हैं। जल्दी करो, आने वाली होंगी। जाओ।
ओफो, कमबख्त ठीक हो गई आंखें, इनका पानी सूख गया है। महाराज प्रताप सिंह के देहांत का दिली शोक है। राजकुमारी जी, मैं अपनी आंखों के आंसू सूखने नहीं दूंगा तब तक जब तक मैं महाराज के हत्यारे उस बागी राजा का सर काट कर आपके चरणों में नहीं डाल दूंगा। मैं उस जली का खून अपने हाथों करूंगी। इस तरह कानून की नजरों में आप मुजरिम हो जाएंगी। कानून की नजरों में तो राजा भी मुजरिम है, लेकिन क्या कानून उसे गिरफ्तार कर सका आज तक? कानून अंधा है। लेकिन राजकुमारी जी, राजा के पीछे सारी जनता है। गरीब बस्तियों का हर आदमी उसे देवता की तरह पूजता है। तो उसके पुजारियों को कुचल डालो, उनका देवता उनकी रक्षा करने के लिए जरूर आएगा। चरणों के सौगंध खाकर कहता हूं मां, आज से जो किसान जिस जमीन पर हल चलाता है वही उसका मालिक होगा। सावित्री, अपना एक आदमी शहर से ही खुशखबरी लाया है। क्या बोला? अपने करण सिंह एसपी बनकर राजागढ़ फिर वापस आ गए। वो यहाँ अपने राजा को गिरफ्तार करने के लिए आया है। क्या? हाँ, अपने ही बेटे को। सावित्री, मैंने इसके लिए एक रास्ता निकाल लिया। बाप बेटा हर रोज मिलते रहा करेंगे और शायद ये दुश्मनी प्यार में बदल जाए। आज से राजा हर रोज अपनी गाय का दूध लेकर एसपी के घर जाया करेगा। बाबा, सांप को दूध पिलाने की सोच रहे हो बाबा? बेटे, अपने देश में सांप को सिर्फ दूध ही नहीं पिलाते, उसकी पूजा भी करते हैं। मैं ये दूध लेकर नहीं जाऊंगा। तू समझा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तू पुलिस के करीब रहेगा और तेरे खिलाफ पुलिस की हर कार्रवाई तुझे मालूम होती रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सर, हवालात में जितने भी कैदी थे वे सम्मुख पर बनाकर रिहा कर दिए गए। उनमें से कोई राजा को पहचानता है? जानता तो नहीं सर, लेकिन उन सब ने वादा किया है कि वे ढूंढ निकालेंगे राजा को। गुड, उन पे भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। डेफिनेटली सर, अब मैं जा सकता हूँ? रिपोर्ट देते रहना। ओके सर। जयराम जी की सरकार। हाँ सुखराम है हम गवाला। हाँ, इधर का जितना बड़ा बड़ा अफसर लोग है ना, जितना बड़ा बड़ा आदमी लोग है ना, हमारे भूरी गैया का दुधवा पीता है। हाँ हाँ सरकार, हमारे भूरी गैया के दुधवा में एक बहुत बड़ा गुनवा है। और सबसे बड़ा गुनवा ये है सरकार कि साला सिपाही पी तो थानेदार हो जाए, थानेदार पी तो कप्तान हो जाए, कप्तान पी तो साला मिलिट्री के जवान हो जाए, और एक मैया के मिलिट्री के जवान पी तो बस 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 शंकर दूध ले लो। और मेरा रघुआ, अरे चलो फूटो भाई राघु का बच्चा। सुखराम। हाँ सरकार।
कितने पैसे हुए? हाँ सरकार, हमारा मैया हमको वो सीख दिया है कि बड़ा बड़ा आदमी से रोज रोज छुट्टा पैसा नहीं लेने का। आए, ये कुछ है, किसका फोटो है? ये उस वक्त की तस्वीर है जब भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अरे बाप रे, सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बाबा हमको पटवा नहीं बतलाया। क्यों? हाँ नहीं बतलाया तो क्या करो, नहीं बतलाया। लेकिन आप एक ठो चीज बताइए हमको कि ई सीता मैया का सचमुच का फोटो है या मूर्ति है? ये मूर्ति है। कहे सीता मैया उस समय नहीं थी क्या? उनको रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था और चूंकि ये यज्ञ पत्नी के बगैर नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाकर अपने पास रख ली थी। और तेरा ये कौन सा इंसाफ है साहब? उनके दोनों बेटे लवकुश इसी बात के तो उन्हें ताने दे रहे हैं। और लवकुश को उनकी ताने देंगे सरकार? जो भी हम होते ना तो हम भी भगवान रामचंद्र जी के सामने खड़ा होकर कहते कि तुम बहुत जुल्मी है, बहुत निर्दयी है, बहुत पत्थर दिल है। सुखराम। अरे सुखराम क्या कहते हैं कप्तान साहब? यदि हमारा मैया के साथ कोई ऐसा करता ना, चाहे हमारा बाप ही कहे नहीं होता, तो अपनी मैया का उसका मुंडी पकड़ के तो उसकी बोही। और छोड़ी जाने दीजिए, बेफजूल बेवाहिया का बात में कोई दम ही नहीं है। जाते हैं सरकार। जयराम जी की, जयराम जी की। सुना तुमने? भूगवाला भगवान राम को ताने सुना रहा था, लेकिन लेकिन उसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही सुना रहा हो। सिर्फ इतना पता चल सका है कि जब भी पुलिस से उसका मुकाबला हुआ है वो पहाड़ पर के जंगलों में गायब हो जाता है। ठीक है, अब तुम जाओ और दीवान साहब से कह देना कोई भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। सबसे कह देना आज से 40 दिन तक मैं शोक भवन में स्वर्गीय पिताजी का शोक मना रही हूँ। जी बहुत अच्छा। पहाड़पुर का डाक बंगला। अच्छे शिकारी मासूम परिंदों का शिकार नहीं करते। और अच्छे शहरी दूसरों के काम में दखल नहीं दिया करते। अपने बहादुर दोस्त का नाम जान सकता हूँ मैं? दोस्ती कब हुई? दुश्मनी भी कब हुई? ज्यादा मुंह लगने की कोशिश मत करो, अपना काम करो। माली, एक कप चाय लाना। एक कप नहीं बल्कि दो कप चाय लाना। आपको यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे से मेरी हिम्मतें पूछते हो, तुम्हें दाद देने को जी चाहता है। क्या मतलब? मतलब कि अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो देख लीजिए, हिरन है ना, ये अपना नमूना था। आवाज पर खूब निशाना लगाते हैं शिकारी बाबू। तुम भी शिकारी हो? हाँ, बड़े नामचीन शिकारी हैं मेम साहब। ये मेम साहब भी यहाँ शिकार खेलने आई। काफी अच्छा निशाना था तुम्हारा। आग जलाने मर्दों का काम नहीं शिकारी, औरतों का है। ला, मैं जलाती हूँ। जलाना तो सिर्फ औरतों को ही आता है। जी जी हाँ। और इस तरह तुम राजकुमारी की मोहब्बत हासिल करके दीवान शमशेर सिंह से महाराजा शमशेर सिंह बन जाओगे। अंकल, कलयुग के चाणक्य का भतीजा हूँ। जीते रहो बरखुरदार, जीते रहो। लेकिन ये बताओ कि ये चक्कू चलाएगा कौन कौन? महाराज का हर वो सिपाही और पहरेदार जो तीर और तलवार का धनी है हमारे साथ है। जाने राजा इतना कैसे बदल गया? जुल्म के लिए खंजर चलाने वाला खंजर चलाने। अरे हम गरीबों का घर जलाकर उन्हें क्या मिलेगा?
अरे सीधी बात है भैया, पहले उसे हमसे प्यार था, इंसान से प्यार था, अब उसे सोने चांदी से प्यार हो गया। ठीक कहा तूने भैया, मेरी बेटी की तो शादी भंग कर दी। भैया मेरी बीवी जल गई उसकी लगाई हुई आग में। अरे घबराओ नहीं रघु, एक दिन खुद जल जाएगा लालच की आग में। तू मेरा बेटा नहीं, तू सरदार है। मेरे बेटे के सीने में पत्थर नहीं, एक दर्द भरा दिल था, जो दूसरों के दिल को अपना दर्द समझता था। मां तुम यकीन क्यों नहीं करती हो, जो कुछ भी तुमने सुना वो झूठ है। गुंडरदिली आवाजों को भी झूठ समझो, जिन्हें सुनते सुनते मेरे कान के पर्दे फट गए। मां तुम समझती क्यों नहीं हो, ये जरूर किसी की शैतानी है जो मुझे बदनाम करके बस्ती वालों को मुझसे दूर करना चाहता है। राजा सच कहता है सावित्री, मुझे भी शक होने लगा है। ये सारी चाल उस राजकुमारी की है जो हमारे राजा को अपने बाप का कातिल समझती है। बाबा ये शक भी मैं दूर कर दूंगा अगर एक बार वो राजकुमारी मुझे मिल जाए। चाल है तो बहुत बढ़िया चलने लगा हो, पर खुर्दार अंकल, ये सब आपकी चाणक्य नीति का असर है। ये प्यादा कहाँ चला आ रहा है बगैर पूछे बगैर पूछे। नवाब इब्ने नवाब, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, दिलावर खान वल्द, अब वहां पढ़ना यार बहुत लंबा लिखा है। वल्द जिगरदार नवाब, वल्द जमादार नवाब, बस बस ये एक नवाब का नाम है या नवाबों की मर्दम शुमारी की किताब है। किताब है, बुलाओ बुलाओ। अंकल चाल कुछ टेढ़ ही नजर आ रही चाल है। सीधी ही कब थी बरखुरदार? बरखुरदार नवाब के आने की खबर मिली थी, पर ये बेगमत कहां से आ रही हैं आ रही हैं। कनीजे आदाब बजा लाती हैं, कनीजे आदाब बजा लाती हैं। नवाब इब्ने नवाब, सरताजे शबाब, दिलदार नवाब, वल्द जिगरदार नवाब तशरीफ ला रहे हैं। हम आए तुम्हारे घर में खुदा की कुदरत है, और मुझे तुम दोनों के जानो जिगर की जरूरत है। थी छूं थी छूं। जी आपकी तारीफ। आई ये आलम है, मुकामे मातम है, अरे हमारी आंखें पूर्णम है। कनीजों ने समझा कि हम समझाएं क्या, और अपने ही मुंह से खुद अपनी तारीफ बतलाएं क्या। कहते हैं क्या कहते हैं, लगता है नवाब साहब गलत जगह पर आए। नाटक गलत जगह, नवाब दिलदार नवाब, वल्द जिगरदार नवाब, वल्द हवलदार नवाब, वल्द जवाबदार नवाब। बस बस नवाब साहब बात समझ में आ गई। कैसे समझ में आ गई? अरे ये न समझे है न समझेंगे मेरी बात, ये है न समझे है न समझेंगे मेरी बात। अभी तुम हमको समझोगे तुम्हें फिर हम भी समझेंगे। बेटा कौन समझेगा किसे समझेगा? हाँ समझाएंगे हम समझेंगे। हाँ? ये समझ में आ गया, लेकिन नवाब साहब ये सब क्या है क्या है? अरे कमबख्त ये उम्र और इतनी कमजोर नजर। अरे मियाँ लखनऊ की लीचियाँ है, कानपुर की ककड़ियाँ है, लाई है अमरूद इलाहाबाद की लड़कियाँ। अरे नवाब साहब आप नवाब हैं या फल बेचने वाले? फ्रूट। अरे ककड़ियाँ ये लीचियाँ ये पेरू ये अमरूद हमें नहीं चाहिए, अलबत्ता ये लड़कियाँ चाहिए। लड़कियाँ चाहिए? हाँ मुफ्त नहीं दाम देंगे। दाम देंगे? अरे कमबख्त नमक हराम सूरत हराम, ये मत भूलो कि नवाब दिलदार नवाब, वल्द जिगरदार नवाब, वल्द हवलदार नवाब, वल्द जमादार नवाब से हो तुम हम कलाम। तुम्हारी माँ बहन और बेटियाँ हैं इनका नाम, बोलो बताओ दाम। अरे गोली मारिए छोड़िए बात ही छोड़िए छोड़िए। पिछले वक्तों के लोग हैं ये, इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दूँ? थूक दीजिए हुजूर। दूँ? अच्छा थूक देता हूँ। यहाँ 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 जा, तुम्हें माफ कर दिया मुन्ने। लेकिन आप कहते हैं नवाब साहब महाराजा के परम मित्र थे, पर हमने उन्हें कभी देखा नहीं। तो गोया कलकत्ता बम्बई फ्रांस लंदन अमेरिका है नहीं? जी वो तो है, बात बिल्कुल साफ है। रहे नाम अल्लाह का लाहौल वेला ये तमाम जगह है और आपने देखी नहीं। उस तरह नवाब साहब की महाराज साहब से दोस्ती थी। महाराज हमसे दूर, हम महाराज से दूर, वो भी बेनूर हम भी बेनूर, दोनों एक दूसरे से मिलने से मजबूर। चश्मे बदूर हम भी है मजबूर मजबूर, महाराज हो गए हमेशा के लिए हमसे दूर दूर। हाय मियां क्या मिश्रा है, क्या मिश्रा है, क्या शेर है। नवाब साहब ये शेर नहीं है ये हकीकत है। हाय महाराज साहब का स्वर्गवास हो चुका है। नाटक नाटक मरहूम हो गए। हाँ। खुदा की कसम माँ बदौलत तुझे भी मरहूम। जोश में हम होश की परवाह नहीं करते, उनकी बीमारी की खबर तुमने मुझे भी नहीं की। नवाब साहब महाराज बीमारी से नहीं मरे,
राजा बागी ने उनका खून कर दिया। खून कर दिया? तुमने उस कमबख्त को क्यों गोली क्यों नहीं मार दी? जी हाँ, उनकी तलाश में है। जल्दी तलाश करो मियाँ। और महाराज की साहबजादी यानी राजकुमारी को जाकर खबर कर दो कि माँ बदौलत उनके साथ मातम मनाएंगे। मगर वो लंदन से आते ही 40 दिन के लिए शोक भवन में चली गई। चली नाटक गलत। अच्छा कोई बात नहीं, हम उनके साथ शोक भवन में भी शोक फरमाएंगे। हम राजकुमारी को गमगीन नहीं देख सकते। लेकिन नवाब साहब, राजकुमारी का हुक्म है कि 40 दिन तक उनसे कोई न मिले। ऐसा हुक्म है? अच्छा ठीक है, हम 40 दिनों का इंतजार कर लेंगे। अच्छा एक काम करो, इतने सारे नोट, लेकिन आपने इनको बैंक में क्यों नहीं रखा? रखा बैंक में क्यों नहीं रखा? रखा मुन्ने, काला धंधे के पैसे को बैंक में नहीं रखते। पहले हम महाराज के पास रखते थे, अब तुम एक काम करो, इसे अपनी खास तिजोरी में रख दो। और खिदमत, खिदमत? दोनों लाइन पे आ गए, खिदमत खिदमत है। अच्छा तो मुन्नो एक काम करो, शाम को तमाम शहर के अमीर आदमियों को बुलवाओ और खास खास अफसरों को बुलाकर दावत दो, जिससे कि हमारा धंधा दूधो नहाए और पूतो फले। क्या फले? पूतो फले। काटने से पहले ललकार दे मच्छर, काटने से पहले ललकार दे मच्छर, क्या तेरा जिगर क्या तेरी नजर। अबे ओए फरजंदे बेपिदर, इतनी कम उम्र और इतनी बदमजा है, तू क्या जाने अंदाजे नजर, चल उठ गोल कर बिस्तर ओ बेकदर फूट। अरे चाहूं तो नजर के शीशे से पत्थर को तोड़ दूं, सागर की लहर थाम लूं, तूफान को मोड़ दूं। अरे चाहूं तो नजर के शीशे से पत्थर को तोड़ दूं, सागर की लहर थाम लूं, तूफान को मोड़ दूं। जिनको दावा है, जिनको दावा है अपने पर्दे का, छुपते रहे छुपते रहे, मैं इस नजर से पर्दे की दीवार तोड़ दूं। पर्दे वालों, पर्दे वालों संभल कर रहना, पर्दे वालों संभल कर रहना, उठा पर्दा तुम जिसे न कहना, उठा पर्दा तुम जिसे न कहना, ये तो पीछा करेगी कोई जाएगा जिधर, ये नजर है नजर है नजर, जा सके गाना दामन बचा के हो, जा सके गाना दामन बचा के, पर्दे पे नाज है जिनको ये कह दो जाके उनको, जिसने भी इनको रोका वो खा जाएगा धोखा, कई पर्दे गिरा देगी कई पर्दे उठा देगी, कई पर्दे गिरा देगी कई पर्दे उठा देगी, कई पर्दे गिरा देगी कई पर्दे उठा देगी, तू जिधर ये उधर अब जाएगा किधर, तू जिधर ये उधर अब जाएगा किधर, हो जमी आसमां तू जहां ये वहां, हो जमी आसमां तू जहां ये वहां, मान ले ओ, मान ले तू मेरी इससे पर्दा ना कर, ये नजर है नजर है नजर, सबकी खबर है।
पत्थर हो जाए पानी, तो पत्थर हो जाए पानी। जमाने की हुकूमत, जमाने की मोहब्बत, जमाने की ये ताकत, जमाने की जरूरत, किसी के पाँव में है, किसी के छाँव में है, किसी के पाँव में है, किसी की छाँव में है, किसी की राहों में है, ये दो निगाहों में है, किसी की राहों में है, ये दो निगाहों में है। अगर ये झुक जाएगी तो दुनिया रुक जाएगी, अगर ये उठ जाएगी तो दुनिया रुक जाएगी, अगर ये उठ जाएगी तो दुनिया लुट जाएगी, अगर ये उठ जाएगी तो दुनिया लुट जाएगी। न इसे तू सता, न इसे आसमां, न इसे तू सता, न इसे आसमां, ये जफा ये बला ये कज़ा ये खुदा, ये जफा ये बला ये कज़ा ये खुदा, देख ले जो लोग राजा का दम भरते थे अब वो मेरे गुण गाएंगे। कौन? लो, पड़ गया धर्म संकट में। कौन है? मैं हूँ मौसी, मैं तेरी काली। काली? अरे कहाँ है तू, इधर तो आ। अरे कितनी बड़ी हो गई है तू, कितना तेरा इंतजार किया बेटी, मेरी तो आंखें भी चली गई। जब तू पहली बार यहाँ आई थी ना, तो इतनी सी थी, पास के गांव में शिवरात्रि के मेले में आई थी, सोचा बहुत साल हुए मौसी से मिले, मिलने चली आई। अच्छा क्या, अब तो कुछ दिन यही रहे हा? रह जाऊंगी मौसी, रह जाऊंगी, पहले पानी तो पी लूं। हाँ, देख घड़े में से पी ले। लो, पड़ गया धर्म संकट में, पानी नहीं है मौसी। पानी तो पानी, यहाँ तो हर किसी के भाग्य से दाना और पानी दोनों उठ गए हैं बेटी। क्यों, क्या हुआ मौसी? क्या नहीं हुआ बेटी, एक तो पहले ही सूखा पड़ गया था, ऊपर से राजकुमारी का जुल्म, जो भी थोड़ा बहुत अनाज गांव वालों ने बचाकर रखा था सब तबाह कर दिया राजकुमारी ने। अगर गांव वालों को अनाज दिला दूं तो गरीबों की मदद से राजकुमार तक पहुंच सकूं। पूरा 2,00,000 रुपया है, गिन लो। अरे मोटा सेठ, गिनने की जरूरत नहीं है, नहीं है। रात को ट्रक गोदाम के पास भेज देना, भेज देना, सरकारी गोदाम खाली करके करके तुम्हारे ट्रक भरवा देंगे, भरवा देंगे। हाँ। अरे सेठ जी, वो तो सब हो जाएगा, अब ये बताओ कि कुछ पियोगे, कुछ जलपान करोगे? अरे बड़ी कूड़ा जल पीता नहीं है, पान की आदत नहीं है, तुम जाएगा फिर आएगा, आने जाने में टाइम वेस्ट होएगा, फिलहाल हम ये पी लेता है। अरे सर अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी है तो क्या हुआ? हजम नहीं होगा। अरे हजम क्यों नहीं होगा, अरे बात इधर ही रहने देना। अरे अरे सुन रही, अरे बच्चे से चार पतली गली से, पतली गली में हम फंस जाएगा। अरे हम तुमको निकालने का नहीं, निकालने का। अरे बंदी जे लफड़ा, इधर से चल, इधर से काली बहन जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद, राजकुमारी जिंदाबाद, राजकुमारी जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद, राजकुमारी जिंदाबाद। क्या शोर मचा रखा है? हम भी तुम्हारी तरह इंसान है दीवान सिंह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तुम महलों में रहते हो और हम झोंपड़ों में, तुम अनाज के गोदामों पर सांप बनकर बैठे हो और हम अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे पेट की आग बुझा दो दीवान सिंह, वरना हम जीते से मर जाएंगे। धरती के सीने पे एक बोझ हो तुम लोग। दीवान सिंह ये मत भूलो, हमारे ही खून पसीने की बदौलत तुम इन महलों में आराम की नींद सोते हो, हमारे पेट की आग बुझा दो, वरना कहीं ऐसा ना हो ये आग ज्वालामुखी बन जाए और उस आग में तुम्हारी आन बान शान शौकत जल का राख हो जाए। खामोश बदजुबान लड़की, लड़की राम सिंह, गुरचरण सिंह, निकाल बाहर कर उसको। ठहरो,
आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर सुन लो कि जो अनाज तुम्हारे गोदामों में पड़ा हुआ है वो अनाज हम किसानों के ही बलबूते पर पैदा होता है। अगर हम न रहे तो तुम्हारे गोदाम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी राजकुमारी नहीं रहेगी। काली बहन जिंदाबाद, काली बहन जिंदाबाद। बेटी, तूने कितने पुण्य का काम किया है आज। जन्म जन्मांतर तक गरीबों की दुआएं तेरे साथ रहेंगी और राजा बेटा तो तुझे अपने सर आंखों पर बिठा ही लेगा, वो तुझे मिलने जरूर आएगा। हाँ, मैं भी उसके दर्शन की प्यास। चंदा कल ही ससुराल से आई है, राजा उसे आशीर्वाद देने जरूर आएगा। दिल बहलाऊं। अच्छा? हाँ जी, आओ सखियो तुम्हारा दिल बहलाऊं, अपने ब्याह की बात सुनाऊं। सुनाओ ना। पहली बार जब गई ससुराल, लंबा सा घूंघट धीमी सी चाल। पहली बार जब गई ससुराल, लंबा सा घूंघट धीमी सी चाल, सारा गांव दिन आया बधाई। बधाई हो बधाई।
ये महल का नौकर तुम्हारे पास क्या करने आया था? कौन? चुक्कू? कल महाराज साहब को तेरवा है ना? तेरवा है? तुम महाराज को कैसे जानती हो? महाराज साहब को नहीं, उनके बेटे को। वो हम दोनों लंदन में स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, तो तुम महल में क्यों नहीं ठहरी? इसलिए कि वो 40 दिन तक शोक महल में महाराज का शोक मनाएगी। फिर वो तेरहवा कैसे मनाएंगे? वो तो मनाना ही पड़ेगा। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? देखो ना, जब लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे और तुमसे पूछेंगे कि मैं क्या लगता हूँ, तो क्या बोलोगे? जी जी हाँ। किस सोच में डूबे हो बरखुरदार? चाल चलो चलो। चाल क्या खाक चलूं, मेरी बाजी मात खा गई। मतबल? मतलब ये कि कल महाराज का तेरहवा है और राजकुमारी शोक भवन से बाहर आ रही है। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? राजकुमारी शोक भवन से बाहर आ रही है और तुम वहां प्रवेश कर जाओ। अंकल, चाणक्य नीति मान ली होती तो ये उलझन ना पैदा होती होती, लेकिन तुम्हें तो राजकुमारी का प्यार हासिल करना है करना है। अंकल प्लीज। बरखुरदार किस चाणक्य नीति की? आपकी ये चाणक्य नीति एक दिन मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। बरखुरदार कहते हैं क्या कहते हैं, इस चाणक्य नीति की बदौलत ही तो महाराज प्रताप सिंह की लाखों की जायदाद का मुख्तारनामा तुम्हारे नाम लिखा है, लिखा है। और अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो तो कल भरी सभा में राजकुमारी को बागी राजा के चक्कू से कत्ल करवा दो। क्या? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बरखुरदार क्या नहीं हो सकता सकता, तुम भूल रहे हो, बागी राजा भी इसी ताक में है कि जैसे ही राजकुमारी निकले निकले और वो अपनी कसम पूरी करे करे, इसीलिए वो कल राजमहल में अवश्य आएगा आएगा। नारसिंह। जी सरकार। कल हमारे स्वर्गीय महाराज का तेरहवा है और कल से ऐन 13 दिन बाद हम एक और तेरहवा मनाएंगे मनाएंगे, राजकुमारी का तेरहवा। समझ गए? समझ गया सरकार। वेरी गुड इंस्पेक्टर शर्मा। शर्मा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, इंतजाम करना जरा मजबूत बूत। इस बार जो आ जाए राजा तो बचा देना उसका बाजा बाजा। कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं जरा अंदर। डोंट वरी, डोंट वरी। भाई नाटक बकौल चाचा बहादुर के कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक राजा के लिए इतना बड़ा राजपाट है। अरे हुजूर, उस कमबख्त के लिए तो हम अकेले ही काफी थे, छड़ी से अपनी राजा का बाजा बजा दिया होता हमने तो। नवाब साहब, ये सब आपके बस का रोग नहीं है। है सरकार, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े शेरों का शिकार किया है जंगल में। देखिये, ये सब शेरों का नहीं, इंसानों का जंगल है। देखिए कहीं आप खुद न फंस जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहते हैं, क्या कहते हैं, चाचा बहादुर भाई कैसे हो? खामोश बैठ जाओ। हाँ तो कप्तान साहब, हम कह रहे थे कौन? राजकुमारी। हाय राजकुमारी। अरे ये राजकुमारी नहीं, तो दासी है, दासी है, दासी है। हाय अरे ये राजा बागी नहीं, ये तो महल का सिपाही है, ले जाओ इसे। हाय नाटक, वो असली राजकुमारी नहीं, असली राजा नहीं। अब तो हमें ऐसा लगता है कप्तान साहब जैसे हम असली नवाब ने। कहते हैं, क्या कहते हैं, अब तो आंख खुली आपकी आपकी। राजा बागी ने सारे गांव को बर्बाद करवा के अब नथ्थू नाई के इकलौते लड़के को राजमहल में अपनी जगह भेज के गोली मरवा दी, मरवा दी। आप मेरी बात अभी भी मानिए, राजा बागी का साथ ना देकर देकर उसे हमारे हाथों गिरफ्तार करवा दे तो हम आपको 50,000 रुपए इनाम दिलवाएंगे, दिलवाएंगे। ओहो एसपी साहब, साहब। क्या भाषण दे रहे थे विक्रम बहादुर जी? नहीं सरकार, भाषण नहीं दे रहा था, इन्हें चेतावनी दे रहा था कि राजा बागी का साथ ना देकर उसे हमारे हाथों गिरफ्तार करवा दे तो इन्हें 50,000 रुपए का इनाम दिलवाऊंगा, दिलवाऊंगा। वाह, 50,000 रुपए का इनाम तो हमारी सरकार भी देने का वादा करती है। बहुत अच्छा,
50,000 रुपए आपकी सरकार इनाम देगी और 50,000 रुपए अपनी सरकार से इनाम दिलवाऊंगा, 1,00,000 रुपए मिल जाएगा इन्हें। क्यों समझे? पुलिस में खबर कर दे तो? इस बस्ती में कोई ऐसा गद्दार नहीं है माँ जो तुम्हारे बेटे को 50,000 रुपए के लिए बेच दे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सांप सांप ही रहेगा, उसे जितना भी दूध पिलाओ डसने से बात नहीं आएगा। लेकिन बेटे, तुम चिंता न करो माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं आज ही उस सांप का सर काट कर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा भैया। भैया, भैया, राजा को रोक तो वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ सावित्री? बेटा माँ के सुभा को जानने पे उतर आया है। क्या? हाँ, अपने ही बाप के खून का प्यासा हो गया है। भैया, भैया उसे रोक दो, वो शहर जा रहा है भैया। बाबा, रुक जा राजा। मुझे मत रोको बाबा, आज ये फैसले की घड़ी है। इससे पहले कि वो नाग हमें डस ले, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुझे क्या हो गया राजा? अगर तू उसे खत्म कर देगा तो सरकार दूसरा अफसर भेज देगी। बोल, कितनों को खत्म करेगा? बेटा अगर किसी को खत्म करना है तो उसको खत्म कर जिसने तेरे नाम को बदनाम कर रखा है, उसे कानून के हवाले कर और अपनी बेगुनाही का सबूत दे। लेकिन बाबा, भैया ठीक कहते हैं राजा, कहीं तेरी जल्दबाजी किसी बेगुनाह को विधवा ना बना दे। माँ, तुझे उससे हमदर्दी क्यों है जो तेरे बेटे और तेरी ममता को कुचलने पे तुला है? इसलिए बेटे, औलाद मिल जाती है, सुहाग छिन जाए तो फिर कभी नहीं मिलता। तुम भी कलयुग में सतयुग की बात कर रही हो माँ। कुछ भी समझ ले बेटे, तुझे मेरे दूध की कसम, भूल कर दे किसी सुहागन का सुहाग न छीनना। कल्लू काका, हम इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, तुम भी जरा आराम से बात करो, कुछ समझो, कुछ समझाओ, ये किस बात का है ताओ ताओ? तुम खातिल हो, तुम खूनी हो, तुमने हमारे लड़के को नकली राजा बनाकर उसकी जान ले ली। अरे भाई, जान देने लेने वाला तो वो ऊपर वाला भगवान है, परमात्मा आत्मा। अगर उसने जान ले ली तो हमने तो उसकी कीमत दे दी। वो तुमने नाटक करने की कीमत दी थी, असली कीमत तो तुम अब दोगे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ले लूंगा कैसे ले लूंगा? जरा अकल से काम लो, सब्र से काम लो। विक्रम सिंह बहादुर, कब तक सब्र से काम ले? तुम्हारे कहने पर हमने खंजर बनाए और चलाए भी। खंजर खूब बनाए भी और चलाए भी और उसके दाम पाए भी। तो के घरों को चलाया, न जाने कितनों को यतीम बनाया, अब हमें हमारा हक मिल जाना चाहिए, वरना 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 जो जबान अब तक बंद थी वो खुल जाएगी और तुम्हारी वफादारी के सारे किस्से राजकुमारी तक पहुंच जाएंगे। फिर जानते हो क्या होगा? फिर ये होगा कि तुम लोग जेल जाओगे, जहां माल के बजाय तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। चलो तुम लोग जाओ, माल मिल जाएगा। कब? अरे भाई, जब होगा तब तब। फिलहाल तो तुम ये लो और काका तुम ये लो, खाओ पियो और फिर मिलेंगे अड्डे पर। मैं भी आता हूँ अड्डे पर, फिर मिलेंगे अड्डे पर। भतीजे, इन गंदे लोगों को यहाँ मत बुलाया करो। मैं कहाँ बुलाता हूँ, हमारी कमजोरियाँ इन्हें रास्ता दिखा देती हैं, और फिर बेचारे गरीब कब तक सब्र करें? अब तो मेरा सब्र भी डामाडोल हो रहा है। भतीजे, चाचा को माल चाहिए, कब देते हो माल? माल हाथ तो लगने दीजिए। अच्छा, हाथ तो लगने दीजिए। वो अनाज के व्यापारी झांपड़ मल का माल कहाँ गया? वो तो चाचा ले गए। हाँ। तभी आज फिर आए थे तकाजा करने कि माल चाहिए। चलो छोड़ो, वो नवाब साहब के नोटों का क्या हुआ? नवाब साहब भी ले गए चाचा। वो भी ले गए? जी हाँ। बड़े कमीने नवाब साहब निकले, मुझे पहले ही मालूम था कि नवाब नहीं है, कोई फ्रूट फरोश है। लेकिन भतीजे, चाणक्य नीति ये कहती है कि चाणक्य चाचा के साथ चाल नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाजी मात खा जाए और शतरंज यूं ही बिछी की बिछी रह जाए और हेरा फेरी महंगी पड़ जाए। भतीजे, चाचा को माल चाहिए, जरा माल का इंतजाम करना। मैं चला अड्डे पर।
सब आप? मेरी याद आई मेरे आने के बाद, मेरी याद आई मेरे आने के बाद। सुन मैं ताल मिला रहा हूँ। नमस्ते, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? कैसे आ गए? लेके तेरी मौत का नामा खरामा खरामा उठा के पजामा पहन के जामा पहुँच के सुनते सुनते तुम्हारे पीछे, समझे मेरे हंटम, मेरे दोस्त, मेरे चलगोसे, मेरे मुन्ने, मेरे काट के उल्लू, मेरे लल्लू पंजू, मेरे खरगोश, मेरे जूते की डोरी, मेरे नाई की कटोरी। कहने का मतलब ये है मेरे मुन्ने की इतनी सारी दौलत पड़ी है और तुम अकेले का मसलूक है। दीवाना आदमी को बनाता है रुपया। क्या मजाक है? मजाक कैसा नहीं है? राजा बागी के इतने सारे पड़े हैं खंजर, फिर भी तुम्हारा दिल हुआ बन। भाई ये चक्कर क्या है मियां? नवाब साहब, बात धंधे की आई गई है तो फिर आपसे क्या छुपाना। दरअसल बात ये है कि काम और दाम हमारा। नाम बदनाम हमारा। हाई हाई तुम्हारा? हाई, मेरा मतलब है राजा बागी का। हमें होए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अरे बहुत तेरे साथ है तो लूट किया जाए, तो लूट किया जाए, हाई छोड़ दिया जाए, हाई छोड़ दिया जाए। राजकुमारी के साथ तुमने गद्दारी की, राजकुमारी के वालिद मजनू के साथ तुमने गद्दारी की, और राजा बागी के साथ गद्दारी की, इसलिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मार डाला सिपाहियों, नहीं नहीं छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। आओ मुन्ने, मेरे पास आओ, आओ। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप राजाओं का राजा, राजा बागी। राजा, राजा! अब तेरे चाचे को ठिकाने लगा दूंगा। ये तहखाना दीवान है या शमशान? हमारे शहर का कब्रिस्तान। अरे एक और पड़ा है, तुम भी गए? अरे उठो मुन्ना। क्या नोट तिजोरी? अरे जय हो लक्ष्मी माता, जय हो, जय हो। अरे वाह बेटा, वाह भतीजे, चाणक्य चाचा को चकमा दे रहा था, कह रहा था तिजोरी में माल बिल्कुल नहीं है, खाली है तिजोरी। अब किए देता हूँ तिजोरी खाली खाली बेटा। अरे चाचा से चकमा कहाँ जाएगा? फरार भतीजे। मैं बिल्लो बंगलोर की,
खाने से राजा बागी के इन खंजरों के अलावा कुछ नहीं मिला। राजा बागी खंजर? जी हाँ, और मैंने इनके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया? इन्हें भी गिरफ्तार कर लो। अरे गिरफ्तार कर लो, अरे कमाल है, चलिए पकड़ो पकड़ो। आप लोग भी जा सकते हैं, जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुलवा लिया जाएगा। नवाब साहब, आपने कानून की मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हुजूर, माफ कीजिएगा मेरा कसूर, दिल हमारा खुशी से है। चूर चूर काबुल से लाए खजूर आपके लिए, फकत आपके लिए, इसलिए इस खुशी में, किस खुशी में, इस खुशी में माँ बदौलत की ओर से दावत कबूल फरमाइए। गुस्ताखी माफ नवाब साहब, आज के दिन मैं व्रत रखता हूँ। व्रत बेमौसम, न सर्दी की सरगम, न गर्मी है बरहम, न भादों की छम छम, फिर ये व्रत किस खुशी में मेरे हमदम? खुशी में नहीं नवाब साहब, गम में। आज के दिन मेरी बीवी मुझसे जुदा हो गई थी। इस बरस से आज के दिन वो व्रत रखते हैं? हाँ माँ, लगता है उन्हें बीवी से बहुत ही प्यार था। कह रहे थे आज के दिन पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, और इसी तरह से एक साल और गुजर जाता है। माँ, ऐसे आदमी को तो किसी मंदिर में पुजारी उजारी होना चाहिए था, खामखा पुलिस लाइन में भर्ती हो गए। होने के खेल है बेटा। अरे माँ, तुमने बड़ा अच्छा किया जो उस दिन मुझे रोक दिया, वरना नाहक एक नेक आदमी का कत्ल हो जाता। हाँ, मैं आज दूध लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? कोई ऐसी चीज लेकर जाऊंगा जिससे आज वो अपना व्रत तोड़ सके। एक काम करो, बेसन के लड्डू बनाकर दे दो मुझे, मुझे बहुत पसंद है, उन्हें भी जरूर पसंद आएगा। ये तूने कैसे जान लिया कि वो तेरी पसंद है, वो उनकी पसंद भी होगी? अरवा, क्या रहते अगर आज उनका बेटा होता तो बिल्कुल मेरे जैसा होता। छोड़िए, लाइए आपके जूते खोल दो। हाँ, नहीं, मुझे ये बात पसंद। मुझे है। क्यों? इसलिए कि इस तरह मेरे हाथ आपके चरणों की धूल को छूते हैं और फिर मेरी मांग को छूते हैं। सावित्री, सचमुच तुम कलयुग में सतयुग की सीता। तुम बेसन का लड्डू बना दो मुझे। और जय राम जी की सरकार। अरे सुखराम, तुम आपका रघुआ है नू, उस साला भोरे सबेर हमको बतलाई कि आज का दिन आप व्रत रखते हैं, यही बात है? ये क्या? आ, पूछो ना, ये बेसन का लड्डू है। हमारा मैया हमको एगो सीख दिया सरकार कि जो लोग व्रत रखते हैं नू उनको खिलाना भी एगो प्रकार का धर्म होता है। तुम्हारी माता जी के विचार बहुत ऊंचे हैं। और दूर विचार उचार का होता है साहब,
वो क्या है नू हमारा मुझिया जो है ना सरकार एकदम कलयुग का सीता है सच हूँ सबेरा भोर जब उसका पर चुका प्रणाम करते लगता है भगवान का दर्शन हो गया। हाँ और भैया है नू वो आपके लिए अपना हाथ से बना के ये बेसन का लड्डू भेजा है खाइए ना। लीजिए बेसन के लड्डू बनाइए अपना व्रत खोल लीजिए। नहीं आज मैं व्रत ये बेसन के लड्डू से नहीं तोड़ूंगा। तो कैसे? ऐसे क्या करती है अभी को देख लेगा तो क्या हुआ हम कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं हम लोग मियां बीवी हैं और मियां बीवी आपस में कहा बस कुछ नहीं सूखा बीवी की याद आ गई थी पूर्वी को ऐसे लड्डू बनाया करती थी। अरे तू तो देखने की बात करती है राजा का तो जन्म ही इन हाथों हुआ था। तुम तो उसकी बड़ी तारीफ करती रहती हो लेकिन वो तो तुमको देखने कभी आया ही नहीं। उसको एक चिंता थोड़ी है और फिर मैं तो उसको कल मिलने जा ही रही हूँ। कहाँ मौसी? नगर देवी के मंदिर में वहाँ वो हर साल सोने का छत्र चढ़ाने आता है। सोने का छत्र? हाँ 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 निशाना बांधने वाले निशाना जब भी बांधेगा मुझसे बढ़िया निशाना और कोई नहीं हो सकता है। लगाओ निशाना चला दो गोली उड़ा दो सीना। मेरे सीने में दिल है कोई पत्थर नहीं। तुम आज दिल की बातें कर रही हो कमाल है लगता है कुछ ज्यादा ही खुश हो। हाँ शिकारी आज मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे उस जलील इंसान का पता चल गया। इंसान? जिसकी खून से अपने माथे पर तिलक करने की कसम खाई थी मैंने। मगर तुमने तो उसे दरिंदा कहा था। वो दरिंदा नुमा इंसान है शिकारी बल्कि दरिंदे से भी बदतर। कौन है वो कमबख्त जिसे इस इलाके में मैं नहीं जानता हूँ मुझे हुक्म दो पल भर के अंदर मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूं उसे और अपनी दोस्ती का हक अदा करूं। नहीं शिकार ये कसम मेरी है और मैं खुद इसे अपने हाथों पूरी करूंगी। लेकिन आखिर वो जलील है कौन जिसने तुम्हें इन जंगलों में दुख झेलने के लिए मजबूर कर दिया है? वो बागी। कौन है वो बागी? राजकुमारी। मुझे आशीर्वाद तो शिकारी कि मैं अपनी सौगंध पूरी करने में सफल हो जाऊं। हाँ शिकारी तुम यही इंतजार करना मेरा आज मैं तुम्हारे हाथों से अपना व्रत तोड़ूंगी। डीएसपी साहब आइए आइए अच्छा हुआ आप खुद ही तशरीफ ले आए। डीएसपी साहब अगर ये मच्छर न होते तो शायद मैं जिंदगी में यहाँ कभी नहीं आ सकता था और आप भी राजा बागी को इस जिंदगी में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। फिलहाल तो मैंने आपकी गिरफ्तारी का वारंट इशू करवाया। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? ये भी चाणक्य नीति है दीवान सिंह जी आपके चचा भी हवालात में बंद किए जा चुके हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि आप लोगों ने राजा बागी की आड़ लेके बहुत शिकार खेला है। एक तरफ गरीबों और मासूमों का खून बहाया दूसरी तरफ राजकुमारी की दौलत गबन की और तीसरे नवाब दिलदार की अमानत में खयानत की। जीएसपी साहब ये नवाब दिलदार ही राजा बागी का दूसरा रूप है। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं जीएसपी साहब मैं सच कह रहा हूँ वो आज तक हम लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा है। वो नवाब का भेष बदलकर महल में राजकुमारी तक पहुंचना चाहता था ताकि राजकुमारी से किसानों को जमीन दिला सके इसका मैं सबूत दे सकता हूँ। सबूत? क्या सबूत है? राजा हर साल नगर देवी के मंदिर में छत्र चढ़ाने आता है कल ही वो दिन है आप मेरे साथ चलिए मैं भरे मेले में उसको पहचान लूंगा। बेटा तू परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं माँ। ओ तो फिर जल्दी से तैयार हो जा नगर देवी के मंदिर में छत्र चढ़ाने जाना है। नहीं माँ
उलझन में पड़ गया। क्या हुआ? जिसे मैं शिकारन समझता था वो राजकुमारी निकली। अच्छा, तब तो किसानों को दिया हुआ तेरा वचन जरूर पूरा हो जाएगा। तू जो भी कुछ कहेगा वो मान जाएगी। तेरी माँ ने तेरी मुश्किल आसान कर दी। माँ मुश्किल और ज्यादा मुश्किल हो गई है। वो मुझे शिकारी समझती है, नहीं जानती कि राजा मैं हूं जिसके खून की वो प्यासी है। अपने बाप के खून का बदला लेने की कसम खाई है उसने और अपना ये व्रत उस दिन तोड़ेगी जिस दिन मेरे खून से तिलक करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। भूल जा उसको और भूल जा अपने प्यार को। जब ये भेद खुलेगा तो वो तुझसे प्यार नहीं नफरत करने लगेगी। तेरा और उसका मिलन कभी नहीं हो सकता। भूल जा उसे और अपने वचन का पालन कर। लेकिन माँ, दिल के हाथों बिकने वाले बेहतर होता बिकने से पहले अपना सर अपने हाथों से काट के देवी माँ के चरणों में भेंट कर दे। माँ, तेरा बेटा तेरे दूध को गाली नहीं देगा। राजकुमारी की कसम भी पूरी होगी और मेरा वचन भी। गुलाब सिंह जी सरदार, जाकर राजकुमारी को खबर कर दो कि अगर राजा के खून से तिलक करना है तो शाम के 4 बजे चांदमारी के मैदान में पहुंच जाए। जी। सर, ये पहाड़पुर के डाक बंगले का माली और इसे राजा बागी का ये खंजर इस खत के साथ मिला। राजकुमारी, सुना है आपने मेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाने की कसम खाई है। आज शाम को 4 बजे चांदमारी के मैदान में आपका इंतजार करूंगा। राजा, कहीं राजा की दूसरी चाल तो नहीं है? मुझे भी लगता है। शर्मा जी, इंस्पेक्टर वर्मा से कहो कुछ आदमियों को लेकर यहाँ आ जाए। ओके सर। मैं बाकी आदमियों को लेकर चांदमारी के मैदान में जा रहा हूँ। तुम माली के साथ डाक बंगले पे जाओ, वहां निगरानी रखो। ओके सर। और वाले से हमें खबर देते रहना। ओके सर। चलो चलिए। मौसी तुम? कौन? सावित्री। हाँ, क्या बात है मौसी, आज तुम मंदिर के बाहर खड़ी हो? मैं तो तुम्हें देख नहीं सकती। मैंने सोचा कि जब तुम लोग देवी के दर्शन करके बाहर आओगे तो तुम लोग मुझे खुद पहचान लोगे। मेरा बेटा कहाँ है? वो आपके नहीं आ पाया मौसी। क्या बात है? ये काली है ना, उससे मिलना चाहती थी। ये अपनी काली? हाँ, ये जिसका सारा गांव गुनगाता है। सावित्री, मौसी, माँ जी, सच बात तो ये है, अब तक जो मैं करना चाहती थी वो कर नहीं सकी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। बेटी, तेरी मनोकामना पूरी हो। गाड़ी रोको जरा, मुझे लगता है किसी अबला पर कोई फिल्म कर रहा है। जाओ भाग कर देखो तो। तुम भी जाओ। खबरदार क्या बात? चलो चलो, नहीं तो चलो लेके चलो, चलो अंदर जाओ। तुम सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। ओके सर। तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। मुझे शक है राजकुमारी पुलिस को लेकर वहां पहुंचेगी। बाबा तुम घबराओ नहीं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दुर्गा माँ का आंचल मेरे और पुलिस के दरमियान दीवार बन जाएगी। सरदार गजब हो गया,
राजकुमारी माँ को ढक ले गए। और तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ चले आए? कहाँ लेकर गई वो? राजा, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो डाक बंगले में आकर खुद को मेरे हवाले कर दो। राजकुमारी। सर, एक लड़की एक औरत को गन पॉइंट पे लेकर डाक बंगले में दाखिल हो रही है। तुम उस पर निगरानी रखो। सर सर, राजा बागी भी डाक बंगले में पीछे पीछे जा रहा है। राजा बागी? ठीक है, तुमको एक्शन नहीं लेना, मैं पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम दीवान सिंह को पुलिस स्टेशन ले जाओ। ओके सर। माँ के सीने से रिवॉल्वर हटा लो राजकुमारी। क्यों, दर्द हो रहा है? उस दिन दर्द नहीं हुआ था जिस दिन तूने मेरे पिताजी के सीने में खंजर उतार दिया था? आज मैं अपने पिता के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। राजा से तुम खून का बदला तो ले लो, लेकिन इतना याद रखो, अगर राजा को कुछ हुआ तो तुम्हारा शिकारी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चालाक औरत, मुझसे सौदेबाजी करना चाहती? जुबान संभाल कर राजकुमारी, मैं अपनी माँ की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुजदिल, शिकारी को अपने कब्जे में रखकर शेर बन रहा है तू, लेकिन याद रख, मेरे होते हुए मेरे शिकारी को कुछ नहीं हो सकता। तो दाग दो गोली सीने में और कर लो अपनी सौगंध पूरी। इतनी आसान मौत चाहता है? मैं तुझे उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे पिताजी को मारा था। राजकुमारी, देर किस बात की है? मैं निहत्ते पर वार नहीं करती और मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता। स्वामी, आपकी सावित्री, आपकी अम्मा।
जिंदगी मिली भी तो मौत के साए में। नहीं, ऐसा मत कहिए। ऐसी भाग्यवान मौत किसे नसीब होती है जो जो बाप और बेटे को एक दूसरे से मिला दे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? माँ, बेटे यही तेरे पिता है। सावित्री, आप ही का खून है और आपका खून कभी कलंकित नहीं हो सकता, कभी कलंकित नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया। सावित्री, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ। माँ, सावित्री नहीं। राजकुमारी, तुम्हारी सौगंध पूरी नहीं हो सकी ना। तुम्हारी सौगंध मैं पूरी किए देता हूं। सुनो, तुम्हारी सौगंध भी तो पूरी नहीं हुई। आज से हमारी जमीनें किसानों की होगी। शुक्रिया। श्यामा, राजकुमारी ने भी कानून अपने हाथ में लिया है, इन्हें भी गिरफ्तार कर लो। पूछ लीजिए ना कि एक ही बंधन में बंधने के लिए तैयार है या नहीं। नी तू प्यार करके चली जाए जो बिछड़ के,